हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सिंपल आइडियाज पर। उससे पहले कि मैं अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करूं, मैं एक्चुअली आपको अपनी स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करना चाहता हूं, ताकि अगर आप कल की मार्केट में इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को यूज करके ट्रेड करें तो आपको पता हो कि आपके स्टेप्स बेसिकली क्या रहने वाले हैं। ये आज की वीडियो में मैं ऐसा इसलिए करने वाला हूं क्योंकि जिस पर्टिकुलर कंडीशन का हम फुलफिल होने का वेट कर रहे थे, वो कंडीशन हमारी फुलफिल हो चुकी है। बेसिकली अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस ना देखी हो तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। हम 11242 या 11702 ऊपर की साइड के टूटने का वेट कर रहे थे, ताकि हम अपने इंट्राडे ट्रेड निफ्टी या बैंक निफ्टी में एग्जीक्यूट कर सकें। अब इसका मेन कारण क्या था, मैं ऐसा इंतजार क्यों कर रहा था, मुझे क्यों चाहिए था कि निफ्टी या बैंक निफ्टी एक रेंज को तोड़ के बाहर क्लोजिंग दे। इसका सबसे बड़ा मेन कारण ये था कि मुझे मार्केट में वॉलेटिलिटी प्लस ट्रेंड की रिक्वायरमेंट थी, ताकि मैं एक लंबे ट्रेड पकड़ के अच्छा प्रॉफिट घर ले जा सकूं, जो कि रेंज मार्केट में पॉसिबल नहीं हो सकता। इस चीज का एग्जाम्पल मैं अभी आपको दिखाता हूं। इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, मैं एक लाइन का यूज कर लेता हूं, जिस लाइन को मैं इस्तेमाल करने वाला हूं दो हाई कनेक्ट करने के लिए। मैंने यहां पर ये दो हाई कनेक्ट कर दिए और जिस तरीके से आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को निफ्टी ने सपोर्ट किया है। लेकिन जो जानना जरूरी है, वो जानना जरूरी ये है कि इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन की अगर आप सपोर्ट या इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का आप एंगल देखें, तो इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन और अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करूं तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम 25-30 डिग्री का एंगल बनाए हुए है और लगभग लगभग ये फ्लैट बिहेव कर रही है। तो जब भी हमारी ट्रेंड लाइन हमें फ्लैट के तरीके से नजर आती है तो सीधी सी बात हमें एक समझ में आती है कि भैया मार्केट अभी इतने ज्यादा अच्छे पोटेंशियल ट्रेंड में तो नहीं दिखाई दे रही। तो अब हमें क्या करना चाहिए, अब जैसा कि हमने बोला कि हमारे नीचे के ब्रेकआउट हो चुका है, हमारा निफ्टी में नीचे का ब्रेकआउट हो चुका है, हमारा ये लेवल टूट चुका है, तो अब मैं आपके लिए एक नई ट्रेंड लाइन मार्क करता हूं। बेसिकली ट्रेंड लाइन मार्क करने का मैकेनिज्म क्या होता है, अगर गिरते ग्राफ में आपको ट्रेंड लाइन मार्क करनी है तो आपने प्रीवियस दो हाई कनेक्ट कर दीजिए, और उठती मार्केट में अगर आपको ट्रेंड लाइन मार्क करनी है तो आप नीचे के दो सपोर्ट मार्क कर दीजिए। वो एग्जाम्पल आने वाली वीडियोस में आप देख पाएंगे जब हम बाय साइड की मार्केट में ट्रेंड कर रहे होंगे। हाल फिलहाल हमारे हिसाब से मार्केट का ट्रेंड अभी डाउन ट्रेंड है। तो चलिए दो हाईस को कनेक्ट करते हैं। जैसा ही मैंने अपने लेटेस्ट दो हाई को कनेक्ट किया, आपको साफ साफ ये दिखाई दे रहा होगा कि पिछली ट्रेंड लाइन और इस ट्रेंड लाइन के एंगल में डिफरेंस आ चुका है। अब ये मोर और 45 या 45 से आगे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रही है, तो अब हमारा एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ इंक्रीज हो रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है ये आइडेंटिफाई करने का कि हाँ, अब मार्केट में वॉलेटिलिटी शॉर्ट साइड बढ़ सकती है। तो ये तो हुआ कि किस तरीके से हम अपने ट्रेंड के पोटेंशियल को जानने की कोशिश करें। ट्रेंड लाइन का एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है ये जज करने के लिए कि हमारी मार्केट में इस समय का जो ट्रेंड है, चाहे वो बाय साइड का है या वो सेल साइड का है, वो कितना स्ट्रांग है और उस ट्रेंड में मैं कैसे ट्रेड उठा सकता हूं। अब इसी के साथ मैं आशा करता हूं कुछ हद तक मैं आपको ये समझाने में कामयाब हो पाया हूंगा कि किस तरीके से हम अपना ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं या किस तरीके से हम अपने ट्रेंड की स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब अगर आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है कि मुझे अपने ट्रेंड की स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है, अब बात ये आ जाती है कि मुझे इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कैसे करना है। जैसा कि हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर रहे थे, हमें नीचे के लेवल के ब्रेकआउट का इंतजार रहेगा या ऊपर के लेवल के ब्रेकआउट का इंतजार रहेगा इन निफ्टी। तो अब बात आ जाती है कि ब्रेकआउट तो हमें मिल चुका है, अब ब्रेकआउट मिलने के बाद हमें ट्रेंड कैसे एग्जीक्यूट करना है, हम उस पर चल पड़ते हैं। तो मैं अपने ग्राफ को शिफ्ट कर रहा हूं 3 मिनट ग्राफ पे और मैं एक टेक्निकल इंडिकेटर का यूज कर रहा हूं, सुपर ट्रेंड।
आप इसके अलावा भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी और इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी जाननी है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक मुझसे शेयर कर सकते हैं। अब क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट ने नीचे वाला लेवल तोड़ दिया है और मार्केट अगर इस पर्टिकुलर ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बेसिकली करना क्या चाहिए, मैंने 7:2 का इंडिकेटर यूज किया है सुपर ट्रेंड। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में मैं क्या करूंगा, अगर मान लो कल की मार्केट ओपन होती है और कल की मार्केट नीचे की साइड ओपन होती है, इस कंडीशन में मेरा सुपर ट्रेंड अभी भी रेड है जैसा कि आप देख सकते हैं। अब सुपर मेरा बेसिक कंडीशन क्या रहेगी, मुझे मार्केट में 10:15 से पहले, मुझे मार्केट में 10:15 से पहले क्या करना है, अगर मेरा सुपर ट्रेंड रेड रहता है और मार्केट मेरी डायरेक्शन में खुलती है तो मैं फर्स्ट कैंडल में एंट्री लेने वाला हूं, या मैं मार्केट की क्लोजिंग के बाद अगर वो रेड कैंडल क्लोज होती है मैं उसका लो टूटने के बाद एंट्री लूंगा, और जैसे ही उसका लो टूट जाएगा मैं अपना शॉर्ट ट्रेड प्लान करूंगा और मैं अपनी ट्रेलिंग करूंगा सुपर ट्रेंड के हिसाब से। अगर आपको ये जानना हो कि मैं सुपर ट्रेंड के हिसाब से ट्रेलिंग कैसे करता हूं तो आप मेरी क्रूड ऑयल की सीरीज देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। ये ट्रेडिंग एक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ आपको परफॉर्म करनी है सुबह 9:15 से 10:15 के इन बिटवीन और दोपहर में 12:30 से 3 बजे के इन बिटवीन। प्लीज इस स्ट्रैटेजी को 10:15 से 12:30 के बीच में इस्तेमाल ना कीजिए, क्योंकि उस समय मार्केट ऑलमोस्ट अपने रेस्ट मोड पे होती है, ये स्ट्रैटेजी आपको ज्यादा कमाकर नहीं देगी। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या हुई, आपको सुपर ट्रेंड का ट्रेंड कन्वर्ट होते देखना है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं आपको किस तरीके की कंडीशन सर्च मारनी है 12:30 के बाद। मान लो सुपर ट्रेंड आपका ग्रीन होगा, इस टाइप से आपको सुपर ट्रेंड के रेड होने का इंतजार करना है। जैसे ही सुपर ट्रेंड रेड होगा आप ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं और आपको एक अच्छा ट्रेड मिलने की एक्सपेक्टेशन हमेशा रहेगी, क्योंकि आप ट्रेंडिंग मार्केट में काम कर रहे हैं इस समय। और दूसरी बात जो मैंने आपके सामने मेंशन की कि इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को आपको 9:15 से 10:15 और 12:30 से 3 बजे के बीच में इस्तेमाल करना है। तो आ जाते हैं, अब देखते हैं हमारा बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव किया कल। जिस तरीके से आप बैंक निफ्टी का ग्राफ देख रहे हैं, मैं बैंक निफ्टी को 30 मिनट चार्ट पे लगा देता हूं और हाल फिलहाल के लिए 30 मिनट चार्ट को हम क्योंकि एनालाइज कर रहे हैं मैं इस इंडिकेटर को हटा देता हूं। अब जो कॉन्सेप्ट मैंने सेम ट्रेंड लाइन वाला निफ्टी में एनालाइज किया था उसी को मैं आपको बैंक निफ्टी में एनालाइज करके बताता हूं और मैं दिखाता हूं किस तरीके से ट्रेंड लाइन की सपोर्ट चेंज होने के बाद या ट्रेंड लाइन का एंगल चेंज होने के बाद बैंक निफ्टी ने कितना अच्छा बिहेव किया। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि बैंक निफ्टी रेंज में कैसा बिहेव कर रहा था या ट्रेंड लाइन का रेंज में एंगल कैसा था। तो चलिए एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लेते हैं। उस समय पे मैं देखूं और अगर ये एनालाइज करने की कोशिश करूं कि हॉरिजॉन्टल के साथ ट्रेंड लाइन का एंगल कैसा था, तो इस पर्टिकुलर एंगल को भी आप देख सकते हैं 35 डिग्री के अराउंड है, तो ये कुछ ज्यादा मोमेंटम मेरे को शो नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, बैंक निफ्टी ने हमें ब्रेकआउट ऑलमोस्ट 1 तारीख को दे दिया था। अब जब बैंक निफ्टी ने 1 तारीख को ब्रेकआउट दे दिया था तो उस समय भी मुझे अपनी ट्रेंड लाइन मार्क करनी चाहिए थी, तो मेरी नई ट्रेंड लाइन उस समय पे बनती यहां से यहां। और अगर मैं इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को देखूं तो ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट मार्केट ने हमारे फ्राइडे वाले दिन को भी किया, और फ्राइडे वाला अगर मैं मोमेंटम देखूं बैंक निफ्टी में तो ये बहुत अच्छा मोमेंटम है। तो जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको निफ्टी में मंडे को इंप्लीमेंट करने के लिए बोली है वो स्ट्रैटेजी का प्रूफ मैं बैंक निफ्टी में आपको अभी दिखा दे रहा हूं। तो चलिए देखते हैं कि अगर मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को बैंक निफ्टी में फ्राइडे को इस्तेमाल कर रहा होता तो क्या बैंक निफ्टी में मुझे कोई अच्छा ट्रेड मिलता। तो चलिए देख लेते हैं। मैं अपने 3 मिनट ग्राफ पे आ रहा हूं और मैं इस ट्रेंड लाइन को डिलीट कर रहा हूं, और जैसा कि मैंने आपको बोला है सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल कीजिए तो सुपर ट्रेंड का यूज कर लेते हैं हम 7:2। और जैसा मैंने बोला कि हमें इस एक्टिविटी को 10:15 से पहले परफॉर्म करना है, तो 4 तारीख को आप देख सकते हैं 9:45 के अराउंड मुझे सुपर ट्रेंड ने मुझे एंट्री दी। उस समय पे मेरा स्टॉप लॉस होता है अराउंड 28676 पे, और अगर मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के हिसाब से सुपर ट्रेंड को ट्रेल करता तो बेसिकली मुझे इस पर्टिकुलर वीक ने यहाँ पर निकाल दिया। ऐसा आपको जर्नल केसेस में नहीं मिलेगा, बट अगर निकाल दिया तो निकाल दिया। अगर एक रनिंग ट्रेड से मेरी एग्जिट हो चुकी है तो मैं उस रनिंग ट्रेड में दोबारा से एंट्री नहीं लूंगा। अब मैं 12:30 के बाद का इंतजार करूंगा। अब
ये वाला पर्टिकुलर ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो ये 12:51 पे ट्रिगर हुआ, जिसका प्राइस था अराउंड 28,085, और 12:00 ट्रिगर होने के बाद 28,085 के अराउंड मुझे एंट्री मिलती है, और सुपर ट्रेंड को ट्रेल करते करते अगर मैं स्ट्रेट से एग्जिट मारता तो मेरा एग्जिट होता अराउंड 27,865, तो मेरी एंट्री थी अराउंड 28,085 और मेरी एग्जिट हुई है अराउंड 27,850, तो 27,850, 950 और अराउंड मुझे इस पर्टिकुलर ट्रेड में 170-180 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है। तो आप समझ सकते हैं अगर मैं ट्रेंडिंग मार्केट में स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करूंगा तो डेफिनेटली मेरे को अच्छे ट्रेड मिलेंगे और मेरे को अच्छा प्रॉफिट होगा। अब जानना ये जरूरी है कि मुझे मंडे को बैंक निफ्टी में क्या करना चाहिए, जैसा कि सुपर ट्रेंड मेरे को ऑलरेडी रेड दिखा रहा है यहाँ पे, जिस तरीके से मैंने निफ्टी में डिस्कशन की, अगर ये वाला रेड ट्रेंड कंटिन्यू रहता है और मेरी कैंडल नीचे की साइड खुलती है, बेसिकली अगर मार्केट मेरे को इस लेवल के नीचे का ब्रेकआउट दे देती है जो है अराउंड 27,676, अगर इसके नीचे का ब्रेकआउट मुझे मार्केट दे देती है तो मुझे एक शॉर्ट ट्रेड में एंट्री प्लान करनी चाहिए और मैं ट्रेलिंग अपना सुपर ट्रेंड के हिसाब से करूंगा। और दूसरा ट्रेड मैं कब एक्सपेक्ट करूंगा, दूसरा ट्रेड मुझे एक्सपेक्ट करना है इन द आफ्टरनून मार्केट, जो हमारा सेशन रहता है 12:30 से लेकर के 3 बजे तक। तो आशा करता हूं आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ा समझ में आई होगी। अगर आप कंटिन्यूअस बेसिस पे मेरी वीडियोस को एक कंटिन्यूअस मैनर में देखेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलने वाली है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे आपके लिए वैल्यू कंटेंट पोस्ट करता रहता हूँ। आशा करता हूँ आपका वीकेंड शुभ रहे। हैप्पी ट्रेडिंग। बाय बाय।